नमस्कार दोस्तों, डेट है आज के 18 दिसंबर 2018। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। नज़र डाल लेते हैं कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, राजनीति से संबंधित है। ये दो आर्टिकल्स भी राजनीति से संबंधित हैं। नीचे ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरे पेज पर ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज से संबंधित। और ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, सोशल ऑडिटिंग से संबंधित। इन दोनों को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और ऑक्सीटोसिन हार्मोन को भी डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। 2015 में साइन हुआ था पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट। पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में विभिन्न कंट्रीज ने अपनी तरफ से कमिटमेंट की थी। जैसे देखो, इंडिया ने ये कमिटमेंट की थी 2030 से पहले हम ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को 2005 के लेवल से 33 से लेकर 35% तक कम करेंगे। यानी 2005 में इंडिया में जितना ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा था, उस एमिशन का हम 33 से 35% तक कम करेंगे 2030 आते आते। इसी प्रकार से हर एक कंट्री के द्वारा जिन्होंने पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को साइन किया है, उन्होंने अपनी अपनी तरफ से कमिटमेंट की है कि हम इतना इतना एमिशंस को कम करेंगे। देखो, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट इंप्लीमेंट होना स्टार्ट होगा 2020 से। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, विभिन्न कंट्रीज ने अपनी अपनी तरफ से कमिटमेंट तो कर ली, अब क्या भरोसा कोई देश अपनी कमिटमेंट को पूरा करता है या फिर नहीं करता है? कुछ देश ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने कमिटमेंट तो कर ली लेकिन इस डायरेक्शन में, यानी अपनी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए कुछ नहीं किया, ना तो कोई प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित, और भी कोई खास स्टेप नहीं लिया, लेकिन बाद में झूठ बोल दें कि देखो जी हमने तो किया है, हमने तो हमारी कमिटमेंट को पूरा किया है। तो एक वेरिफिकेशन के लिए कोई मैकेनिज्म होना चाहिए ना, कोई तो तरीका होना चाहिए कि सभी देशों को मॉनिटर किया जा सके। कोई तो तरीका होना चाहिए जिसकी सहायता से ये पता लगाया जा सके, अगर कोई देश कहता है कि मैंने अपनी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए ये प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किए हैं, तो उसको वेरीफाई करने के लिए कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। और क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने की दिशा में ग्लोबली जो एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, उन एफर्ट्स में क्या प्रोग्रेस हुई है, इस चीज़ को मेजर करने का भी कोई रूल होना चाहिए। तो कहने का एसेंस देखो साफ है, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए एक रूल बुक चाहिए, ताकि उस रूल बुक की सहायता से विभिन्न देशों के एक्शंस को आसानी से मॉनिटर किया जा सके, विभिन्न देशों के एक्शंस को आसानी से वेरीफाई किया जा सके, प्रोग्रेस को मेजर किया जा सके। अभी फिलहाल कंटेक्स्ट ये है, इसी रूल बुक को तैयार करने के लिए UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 24th मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई। कहां पर? पोलैंड के शहर कैटोविसे में। आज के इस आर्टिकल में पोलैंड के शहर कैटोविसे में ऑर्गेनाइज हुई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 24वीं मीटिंग की आउटकम को एनालाइज किया जा रहा है। आर्टिकल में बताया जा रहा है कि वैसे तो देखो लॉस एंड डैमेज एक इशू नहीं था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की उस 24वीं मीटिंग में, लेकिन फिर भी चर्चा होनी चाहिए थी। लॉस एंड डैमेज का क्या मतलब है? देखो, वो वल्नरेबल कंट्रीज, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, फिलीपींस, ये सब देश मांग कर रहे हैं डेवलप कंट्रीज से कि आप हमें पैसा दीजिए। फिलीपींस में 2009 के आसपास एक साइक्लोन आया था, उस साइक्लोन की वजह फिलीपींस को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तो उस समय फिलीपींस और फिलीपींस जैसे जो दूसरे देश थे, उनका यह मानना था कि भैया हमारी क्या गलती है, हमने तो पास्ट में एमिशंस किया नहीं बहुत ज़्यादा, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है वो हमारी गलती की वजह से तो हो नहीं रहा है, पहले जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया है वो डेवलप कंट्रीज में आया है, पहले जो एमिशंस किया है वो डेवलप कंट्रीज ने किया है, उनकी गलती का खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से इस प्रकार के साइक्लोन्स आ रहे हैं ज़्यादा और हमें सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो उस समय एक टर्म निकल के आई थी लॉस एंड डैमेज, एमिशंस ज्यादा हुआ, गलती किसकी? डेवलप कंट्रीज की। नुकसान किसका हो रहा है? वल्नरेबल कंट्रीज का। इसलिए डेवलप कंट्रीज कंपनसेट करेंगे वल्नरेबल कंट्रीज को, फिलीपींस, बांग्लादेश, इन जैसे देशों को, अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसे इवेंट आते हैं साइक्लोन जैसे और इन देशों को नुकसान उठाना पड़ता है, तो इस चीज को कहा जाता है लॉस एंड डैमेज। लेकिन लॉस एंड डैमेज के मुद्दे पर कुछ भी नहीं हुआ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 24वीं मीटिंग में। नेक्स्ट पॉइंट देखो, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में
डेवलप कंट्रीज के द्वारा एक कमिटमेंट की गई है कि हम पुअर कंट्रीज को और डेवलपिंग कंट्रीज को टेक्नोलॉजी देंगे आसान टर्म्स पर, इजी टर्म्स पर। डेवलप कंट्रीज ने यह भी कमिटमेंट की है कि हम पुअर कंट्रीज को और डेवलपिंग कंट्रीज की कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, डेवलपिंग कंट्रीज और पुअर कंट्रीज का यह कहना है कि भैया हम एमिशन तो कम कर देंगे लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है ना। आप कहते हो कि सोलर एनर्जी ज़्यादा इस्तेमाल करो लेकिन सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इसीलिए डेवलप कंट्रीज ने कमिटमेंट की थी कि ठीक है, टेक्नोलॉजी हम आपको देंगे आसान टर्म्स पर, आपकी कैपेसिटी हम बिल्ड करेंगे लेकिन आप एमिशंस को कम करो। तो ये वादा किया गया था डेवलप कंट्रीज के द्वारा पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में। लेकिन इस मुद्दे पर भी कोई खास बातचीत हुई नहीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 24वें मीटिंग में। नेक्स्ट पॉइंट फाइनेंस से संबंधित है। देखो, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में डेवलप कंट्रीज के द्वारा यह कमिटमेंट की गई थी कि 2020 के बाद वो हर एक साल $100 बिलियन की मदद देंगे डेवलपिंग कंट्रीज को ताकि वो अपनी कमिटमेंट्स को पूरा कर सकें, यानी एमिशंस कम कर सकें। लेकिन फाइनेंस के मुद्दे पर भी सहमति नहीं बन सकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 24वीं मीटिंग में। इवन चर्चा भी करने को राजी नहीं थे फाइनेंस के इशू पर डेवलप कंट्रीज। लेकिन अफ्रीकन ग्रुप ऑफ नेशंस ने कहा कि भैया आप अपनी मीटिंग खुद ही कर लो, अगर फाइनेंस पे आप चर्चा नहीं करते तो हम मीटिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। तो फिर डेवलप कंट्रीज ने चर्चा तो की फाइनेंस के इशू पर, लेकिन इस इशू को पोस्टपोन कर दिया गया, कोई सहमति इस पर नहीं बनी। इवन देखो, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के ओरिजिनल ड्राफ्ट में एक वर्ड है इक्विटी। क्या मतलब है इक्विटी का? आप ये तस्वीर देखो, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा इक्वालिटी और इक्विटी के बीच डिफरेंस क्या है। देखो, तीन स्टूडेंट्स हैं, तीन बच्चे हैं, मैथ देखना चाहते हैं। इक्वालिटी का मतलब ये है तीनों को इक्वल स्टूल दिया जा रहा है और बोला जा रहा है हमने तो इक्वल मौका प्रोवाइड किया है मैच देखने के लिए। आप बताइए, तीनों बच्चों को अगर इक्वल मौका मिलता है तो क्या तीनों बच्चे आसानी से मैच देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। जो तीसरा बच्चा है वो तो दिव्यांग है, तो इसलिए आवश्यकता ये है कि दो बच्चों को स्पेशल सपोर्ट दी जाए उनकी सिचुएशन देखते हुए। जब देखो इस सिचुएशन में दो बच्चों को स्पेशल सपोर्ट दी जाती है उनकी सिचुएशन देखते हुए, ये इक्वालिटी नहीं है, ये इक्विटी है। काइंड ऑफ हमारे देश में जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो भी इक्विटी है। उसी प्रकार से पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में ये डिसाइड हुआ था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या फिर पुअर कंट्रीज हैं वो एमिशंस को कम कैसे करेंगे, उनकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। पुअर कंट्रीज को डेवलपिंग कंट्रीज को स्पेशल सपोर्ट की आवश्यकता है, यानी उनको इक्विटी की आवश्यकता है। तो ये तय हुआ था पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के ओरिजिनल ड्राफ्ट में। लेकिन यूएसए ने क्या किया, इक्विटी टर्म को इरेज कर दिया, मिटा दिया। एक इंडिया के नेगोशिएटर थे, उन्होंने आवाज उठाई कि ओरिजिनल ड्राफ्ट पे आप वापस आओ, इस प्रकार से आप इक्विटी वर्ड को हटा नहीं सकते। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने और दूसरे एनजीओस ने यूएसए के इस कदम का विरोध किया कि आप इक्विटी टर्म को इस प्रकार से डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, आपको इक्विटी का सम्मान करना चाहिए, पुअर कंट्रीज को स्पेशल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। और देखो, सिर्फ यूएसए को दोष नहीं दिया जा सकता इक्विटी वर्ड को इरेज करने के लिए। जब यूएसए के द्वारा इक्विटी वर्ड को हटाने का प्रपोजल दिया गया था तो उस समय अपनी सहमति दी गई, यानी कंसेंट दी गई यूरोपियन यूनियन के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, स्विट्जरलैंड के द्वारा, जापान के द्वारा, इन सब देशों ने अपनी सहमति दी, यानी ये सब देश यूएसए के साथ एग्री हुए कि हाँ, इक्विटी वर्ड को हटा देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बड़ी कॉरपोरेशंस के वेस्टेड इंटरेस्ट से संबंधित है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया गया है सेल कॉरपोरेशन का, ये एक बड़ी ऑयल कंपनी है। इस कंपनी के एक एग्जीक्यूटिव के द्वारा अपनी तारीफ की गई खुद से ही कि हमने एक बड़ा रोल प्ले किया है पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के टेक्स्ट को डिसाइड करने में। अच्छा, आप एक बात बताओ कि सेल कंपनी पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के टेक्स्ट को बदलवाने में किस प्रकार से रोल प्ले कर सकती है? सीधा सीधा इसका मतलब यही है ना, सेल कॉरपोरेशन ने लोबिंग की। यूएसए, जापान, ये जो देश हैं जिन्होंने इक्विटी वर्ड को इरेज किया या फिर टेक्स्ट में दूसरा बदलाव लाया, इन कंपनी के लीडर्स को पैसा दिया गया सेल कंपनी के द्वारा, तभी तो इनकी भूमिका हो सकती है ना पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के टेक्स्ट को बदलवाने में। तो पॉइंट ये बनता है, बड़ी जो कॉरपोरेशंस हैं वो अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए इन नेगोशिएशंस में एक भूमिका निभा रही हैं, यानी इन नेगोशिएशंस में इंटरफेयर कर रही हैं। देखो, सेल कंपनी एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, अगर पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाता है
तो इनकी दुकान पर असर पड़ेगा। बंद तो नहीं होगी इनकी दुकान, लेकिन असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि विभिन्न देश अगर रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस्टाब्लिश करेंगे तो इनका काम कम होगा। तो ये अपना वेस्टेड इंटरेस्ट सर्व करना चाहते हैं क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस में। आगे आर्टिकल में कहा जाता है, अभी तक तो देखो हमने ये सारी नेगेटिव आउटकम डिस्कस की, लेकिन एक पॉजिटिव आउटकम ये हुई, एक कॉमन रूल बुक अब तैयार हो गई है जिसके बेस पे पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट किया जाएगा। समय के अनुसार उस रूल बुक में बदलाव भी किया जा सकता है। कंक्लूजन को हम डिस्कस कर रहे हैं, उससे पहले देखो दो और पॉइंट हैं। पहला पॉइंट, दो तीन महीने पहले आपको याद होगा आईपीसीसी की स्पेशल रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था अगर अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ता है तो इसके बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की जो 24वीं मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई, विभिन्न देश चाहते थे कि हम वेलकम करें अपने फाइनल टेक्स्ट में कि वी शुड वेलकम आईपीसीसी स्पेशल रिपोर्ट, लेकिन यूएसए और यूएसए के जैसे जो दो तीन दूसरे देश हैं उन्होंने कहा कि नहीं, हम फाइनल टेक्स्ट में सिर्फ ये लिखेंगे आईपीसीसी स्पेशल रिपोर्ट हैज़ बीन नोटेड। समझ गए, मतलब यूएसए कहता था कि हम सिर्फ नोट कर रहे हैं, बाकी देश कहते थे हमें वेलकम करना चाहिए कि वो रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस रिपोर्ट के हिसाब से हमें एक्शन लेना चाहिए, लेकिन यूएसए कहता है नहीं हम वेलकम नहीं करेंगे, हम सिर्फ नोट करेंगे। नोट करने का मतलब देखो सिंपल ये है, यूएसए और यूएसए जैसे जो दो तीन देश हैं जापान ऑस्ट्रेलिया, वो एग्री नहीं करते आईपीसीसी की स्पेशल रिपोर्ट से। इन देशों को लगता है कि आईपीसीसी की जो स्पेशल रिपोर्ट है वो बकवास है, इसलिए उन्होंने सिर्फ नोट किया है कि हाँ इस प्रकार की कोई रिपोर्ट आई है। नेक्स्ट पॉइंट कार्बन क्रेडिट से संबंधित है। देखो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की इस 24वीं मीटिंग में यूएसए ने कहा कि भैया हम फाइनेंस नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे डेवलपिंग कंट्रीज को, आप काम चला लो कार्बन क्रेडिट से। ये कार्बन क्रेडिट का क्या सिस्टम है, मान लीजिए इंडिया, सोमालिया, यूएसए, इन सबको क्रेडिट्स मिले हैं कि आप इतना कार्बन का एमिशन कर सकते हो। यूएसए को भी 100 यूनिट, इंडिया को भी 100 यूनिट और सोमालिया को भी 100 यूनिट। यूएसए में देखो आपको पता है इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं, इंडिया में ठीक ठाक हैं, सोमालिया में बिल्कुल ही कम हैं। तो सोमालिया में मुश्किल से 30 कार्बन क्रेडिट खर्च होंगे, 100 में से 70 बच जाएंगे। यूएसए खर्च कर देगा कार्बन क्रेडिट 170, यानी यूएसए में एमिशंस बहुत ही ज़्यादा होगा कार्बन का, इसलिए उनके पास जितने कार्बन क्रेडिट हैं यानी जितने कार्बन एमिशन करने की उन्हें छूट दी गई है उससे ज़्यादा कार्बन एमिट करेगा यूएसए। इंडिया के पास 100 यूनिट्स हैं और एमिशन होगा भी इतना ही, तो इंडिया को ना खरीदने की जरूरत है ना ही कार्बन क्रेडिट को बेचने की जरूरत है। लेकिन सोमालिया को छूट थी 100 कार्बन क्रेडिट्स को यूज़ करने की, यूज़ किए सिर्फ 30। यूएसए को छूट थी 100 कार्बन क्रेडिट्स को यूज़ करने की, यूएसए ने कार्बन क्रेडिट्स यूज़ किए 170। तो सोमालिया क्या करेगा, अपने 70 कार्बन क्रेडिट्स को बेच देगा यूएसए को। इससे सोमालिया को थोड़ा पैसा मिल जाएगा और वो अपने एमिशंस को कम करने की दिशा में और भी ज़्यादा एफर्ट्स लगा सकेंगे। यूएसए कहता है आप इस प्रकार का सिस्टम लेके आओ कार्बन क्रेडिट्स वाला, पैसा नहीं देंगे आपको मुफ्त में हम। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। कंक्लूजन में कहा जाता है देखो क्लाइमेट चेंज का असर दिखना स्टार्ट हो गया है, चाहे आप इंडिया में फार्मर्स के प्रोटेस्ट का एग्जांपल ले लीजिए या फिर ऑस्ट्रेलिया में हुआ स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट का एग्जांपल ले लीजिए। हमारे पास विंडो बहुत कम है, आने वाले 10 सालों के अंदर अंदर हमने स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया तो उसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ पछताना पड़ेगा। फ्यूचर जनरेशंस आज टकटकी लगाए हमारी तरफ देख रही हैं कि हम उनका भविष्य सिक्योर करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं, इसलिए विभिन्न देशों को एम्बिशियस होने के साथ साथ कदम भी उठाने होंगे लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे भी, ताकि क्लाइमेट चेंज की समस्या को एड्रेस किया जा सके। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया क्लाइमेट चेंज से संबंधित। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आर्टिकल सोशल ऑडिटिंग से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक और इवन जीएस पेपर 4 से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल देखो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आप मुझे ये बताइए सोशल ऑडिटिंग का मतलब क्या है। सोशल ऑडिटिंग का सिंपल मतलब देखो ये है, जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं या फिर गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उन्हें एसेस करना, उन्हें एग्जामिन करना, लेकिन पोटेंशियल बेनिफिशरीज की सहायता से। मान लीजिए सरकार ने मनरेगा स्कीम को लॉन्च किया है, अब देखो किसी गांव में पंचायत सेक्रेटरी के द्वारा कहा गया कि हमने 10 करोड़ रुपए खर्च किए हैं एक साल में मनरेगा स्कीम के ऊपर, लेकिन मनरेगा स्कीम के जो बेनिफिशरीज हैं उस गांव में उनकी सहायता से एसेस करना क्या वास्तव में
पंचायत सेक्रेटरी के द्वारा बोला गया है कि इस गांव में मनरेगा स्कीम के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए जो खर्च किए हैं वो सही हैं या फिर नहीं हैं। पेपर में जो डेटा दिया हुआ है वो कितना इत्तेफाक रखता है ग्राउंड रियलिटी से, दोनों डेटा को मैच करना, ग्राउंड रियलिटी है क्या और पेपर में क्या डेटा है। लेकिन इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना पोटेंशियल बेनिफिशरीज की सहायता से, पोटेंशियल बेनिफिशरीज कौन, जो स्कीम के लाभार्थी हैं, क्योंकि देखो उनको तो सारा पता होता है ना। पंचायत सेक्रेटरी अगर कहता है कि हमने एक साल में 10 करोड़ रुपए मनरेगा पे खर्च किए हैं तो मनरेगा वर्कर बोलेगा अरे भैया क्यों झूठ बोल रहे हो, 10 तो वर्कर है मनरेगा के और आप एक साल में 10 करोड़ रुपए कैसे खर्च कर सकते हो, तो घोटाले का पता लग जाएगा। ये है सोशल ऑडिटिंग। सोशल ऑडिटिंग काम कैसे करती है, देखो किसी स्कीम से संबंधित रिकॉर्ड्स को रखा जाता है ग्राम सभा के सामने। ग्राम सभा एक गांव में देखो जितने भी वोटर्स हैं उनके ग्रुप को कहा जाता है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा के आगे डेटा रखा जाता है किसी स्कीम से संबंधित, तो लोगों को सारी जानकारी होती है गांव में क्या कुछ हुआ है। अगर पेपर में कुछ डेटा अलग है तो ग्राम सभा में बैठे लोग बता देंगे कि नहीं जो डेटा दिया गया है वो गलत है, सरकारी डेटा गलत है, ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग है। लेकिन एक क्वेश्चन आपके मन में शायद आया हो, देखो बहुत बार जो सरकारी डेटा होता है उसमें काफ़ी डिफिकल्ट टर्म्स होती हैं और गांव में जो लोग हैं उनको वो डिफिकल्ट टर्म्स समझ में आएंगी नहीं, तो इसलिए ग्राम सभा में कम से कम कुछ लोग तो ऐसे होने चाहिए ना जिनको सोशल ऑडिटिंग के बारे में पूरी जानकारी हो, उनको पता हो कि सरकारी डेटा होता किस प्रकार से है, सरकारी टर्म्स का मतलब क्या है। अगर ग्राम सभा में कुछ लोगों को ये सब टर्म्स का मतलब पता होगा तो सोशल ऑडिटिंग की जो ये प्रथा है, प्रोसेस है, वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो इसके लिए है सोशल ऑडिट यूनिट। विभिन्न इलाकों में सोशल ऑडिट यूनिट इस्टाब्लिश की जाती हैं। सोशल ऑडिट यूनिट क्या करती हैं, गांव के कुछ लोगों को ट्रेन करती हैं, उनको ट्रेनिंग देती हैं सोशल ऑडिट यूनिट्स गांव के कुछ लोगों को। उनको बताया जाता है स्पेशली कि सोशल ऑडिटिंग की प्रोसेस ऐसे होती है, सरकारी डेटा इस प्रकार का होता है, आप इस प्रकार से ग्राउंड रियलिटी से मैच करो सरकारी डेटा को। अगर देखो कुछ लोग स्पेशल ट्रेनिंग हासिल करके ग्राम सभा में बैठेंगे तो उनको ज़्यादा समझ होगी, वो कोई घोटाला होगा तो उसे पकड़ पाने में ज़्यादा सक्षम होंगे। तो ये हमने कुछ बेसिक्स डिस्कस किए। आर्टिकल में कहा जाता है सबसे पहले देखो सोशल ऑडिट के लिए लॉ बनाया गया था 2005 में। उसके बाद पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और वेरियस मिनिस्ट्रीज ने बहुत सारी स्कीम्स के लिए सोशल ऑडिटिंग को अनिवार्य किया है। सोशल ऑडिटिंग के देखो फायदे भी बहुत सारे हैं। एक तो लोगों को अपने अधिकारों का पता लगता है, ट्रांसपेरेंसी आती है तो करप्शन कम होता है, स्कीम की इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होती है, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होगी तो आउटकम भी इंक्रीज होगी, गरीबी दूर होगी, बहुत सारे फायदे होते हैं सोशल ऑडिटिंग के। और सोशल ऑडिटिंग के लिए स्टैंडर्ड्स क्या होंगे उनको डिफाइन किया गया है कैग और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा मिलके। मतलब किन पैमानों पर सोशल ऑडिटिंग की जाएगी उनके लिए स्टैंडर्ड्स निर्धारित करके रखे हैं कैग ने और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने मिलके। लेकिन हाल ही में क्या हुआ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ने एक सर्वे कंडक्ट किया ताकि ये पता लगाया जा सके कैग और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा सोशल ऑडिटिंग के लिए जो स्टैंडर्ड्स जारी किए गए हैं क्या उस स्टैंडर्ड के हिसाब से सोशल ऑडिटिंग हो भी रही है क्या फिर नहीं हो रही है। तो इस इंस्टीट्यूट ने अपनी सर्वे में यह पाया कि कैग और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के जो स्टैंडर्ड्स हैं सोशल ऑडिटिंग के लिए उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है ग्राउंड स्तर पर। सबसे पहला बेसिक स्टैंडर्ड देखो ये है, सोशल ऑडिट यूनिट्स का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आंकड़ों में पाया गया 26 स्टेट्स में सोशल ऑडिट यूनिट्स इस्टाब्लिश की गई हैं, 5000 फुल टाइम स्टाफ को अपॉइंट किया गया है, 4200 लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है, ये सब कुछ हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन सोशल ऑडिट यूनिट की इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी भी बहुत सारे स्टेट्स में सोशल ऑडिट यूनिट को सैंक्शन लेना पड़ता है इंप्लीमेंटिंग एजेंसी से। सोशल ऑडिट यूनिट के डायरेक्टर की जो अपॉइंटमेंट है उसके लिए टेस्ट स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है काफ़ी सारे स्टेट्स में। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर सोशल ऑडिटिंग बहुत ही कम हुई है और कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर सोशल ऑडिटिंग के लिए इनफ स्टाफ नहीं है। 2016-17 से लेकर 2017-18 का डेटा ये शो करता है अभी तक सिर्फ 13 सोशल ऑडिट यूनिट्स ने ग्रेवेंसीज को रजिस्टर किया है, यानी स्कीम्स की इंप्लीमेंटेशन में जो इरेगुलरिटीज हैं, अनियमितताएं हैं, उनको डिटेक्ट किया है सिर्फ 13 सोशल ऑडिट यूनिट्स ने, जबकि 26 स्टेट में सोशल ऑडिट यूनिट इस्टाब्लिश हो चुकी हैं। सोच के देखिए बाकी 13 स्टेट में तो सोशल ऑडिट यूनिट कुछ कर ही नहीं रही हैं।
और इन 13 सोशल ऑडिट यूनिट्स ने जिन्होंने इरेगुलरिटीज को पकड़ा, ऑलमोस्ट 281 करोड़ की इरेगुलरिटीज को पकड़ा, बहुत ही बड़ी रकम है, लेकिन कुछ नहीं किया गया सरकार के द्वारा। अगर देखो इन्होंने इतने ज्यादा करप्शन को पकड़ा था तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए था ना, लेकिन इनकी रिपोर्ट पर एक्शन ज्यादा कुछ खास लिया नहीं गया, बहुत ही कम अमाउंट को रिकवर किया गया है और जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं करप्शन के लिए उनके खिलाफ भी एक्शन नहीं लिया गया। तो इस प्रकार से हमने कुछ कमियों की बात की सोशल ऑडिटिंग प्रोसेस में। अब बात करते हैं वे फॉरवर्ड की, क्या सजेशन देते हैं राइटर। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि देखो जिस मशीनरी की सहायता से मनरेगा की सोशल ऑडिटिंग होती है उसी मशीनरी की सहायता से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की भी सोशल ऑडिटिंग होनी चाहिए, लेकिन अभी तक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की सोशल ऑडिटिंग स्टार्ट नहीं हुई है, पैसों की कमी की वजह से फंड्स उपलब्ध नहीं हैं। तो सजेशन दिया जाता है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पैसा दे सोशल ऑडिट यूनिट्स को ताकि सोशल ऑडिट यूनिट्स नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की सोशल ऑडिटिंग को करवा सकें। इसके बाद राइटर के द्वारा कहा जाता है सोशल ऑडिट यूनिट्स इंडिपेंडेंट गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए और इनके पास प्रॉपर स्टाफ होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सोशल ऑडिट यूनिट्स के पास स्टाफ की कमी है। इसके अलावा इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज यानी वो एजेंसीज जो किसी स्कीम को इंप्लीमेंट कर रही हैं वो एजेंसी सोशल ऑडिटिंग के लिए सपोर्टिव होनी चाहिए, यानी बल्कि इन एजेंसीज को समर्थन करना चाहिए सोशल ऑडिटिंग का। अगर देखो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी ने कोई गड़बड़ी की है तो वो एजेंसी क्यों चाहेगी कि सोशल ऑडिटिंग हो, सोशल ऑडिटिंग होगी तो उस इंप्लीमेंटिंग एजेंसी की गलती पकड़ी जाएगी ना। तो सरकार को कुछ ऐसा तरीका निकालना चाहिए कि इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज पूरा सपोर्ट करें सोशल ऑडिटिंग को। लास्ट में एक रियल टाइम मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए, मतलब कोई वेबसाइट हो, वेबसाइट पे सारा डेटा उपलब्ध हो कि इस गांव में इस दिन सोशल ऑडिटिंग हुई, यानी ग्राम सभा की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई और वहां पे सोशल ऑडिटिंग हुई, फाइंडिंग्स ये निकली और उसके बाद ये एक्शन लिया गया, इतने का करप्शन निकला या फिर नहीं निकला, सारा का सारा डेटा पब्लिक डोमेन में उपलब्ध होना चाहिए ट्रैकिंग के लिए, एक रियल टाइम मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया सोशल ऑडिटिंग के बारे में। क्वेश्चन बहुत सिंपल है जो आपको अटेम्प्ट करना है, सोशल ऑडिट है क्या और ऐसा क्यों कहा जाता है कि वेरियस स्टेप्स उठाने की आवश्यकता है अगर सोशल ऑडिट को स्ट्रेंथन करना है तो। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल ऑक्सीटोसिन हार्मोन से संबंधित है, आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हुआ क्या था, ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने पहले सरकार ने ऑक्सीटोसिन हार्मोन के सेल पर और ऑक्सीटोसिन हार्मोन की मैन्युफैक्चरिंग पर रोक लगा दी थी, बैन लगा दिया था। सरकार ने यह भी कहा था कोई पर्सन विदेशों से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंपोर्ट नहीं कर सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये कदम इसलिए उठाया गया था क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इस्तेमाल किया गया था दूध देने वाले एनिमल्स में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, इससे उन एनिमल्स की सेहत पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा सिर्फ एक कंपनी कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्माक्यूटिकल्स लिमिटेड जो सरकारी कंपनी है, सिर्फ वो कंपनी ऑक्सीटोसिन हार्मोन की मैन्युफैक्चरिंग कर सकेगी और कोई कंपनी नहीं। लेकिन देखो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है वुमेन के लिए डिलीवरी के समय, तो सरकार के इस डिसीजन का काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ। एक पेशेंट राइट्स ग्रुप है ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क, उन्होंने पिटीशन फाइल की दिल्ली हाईकोर्ट में सरकार के इस बैन के खिलाफ, और 14 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया। उन्होंने सरकार ने जो ये बैन लगाया था ऑक्सीटोसिन हार्मोन की मैन्युफैक्चरिंग सेल पर, सरकार के इस बैन को हटा दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने काफ़ी कुछ कहा अपनी जजमेंट में, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आपको मिल्च एनिमल्स यानी दूध देने वाले एनिमल्स की सेहत आपको दिख गई, लेकिन वो महिलाएं जो काफ़ी बार जिनकी डेथ भी हो जाती है डिलीवरी के समय कॉम्प्लिकेशंस के दौरान, लेकिन उन महिलाओं की हेल्थ को आपने नहीं देखा। बहुत सारी ड्रग एडवाइजरी बॉडीज़ ने आपको बोला कि आप ये बैन मत लगाइए, फिर भी आपने ये बैन लगाया, और बैन तो लगाया और ऊपर से आपने सिर्फ एक कंपनी को ऑक्सीटोसिन हार्मोन मैन्युफैक्चर करने की इजाज़त दी, वो है कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्माक्यूटिकल्स लिमिटेड। इस कंपनी को कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज जिनके पास एक्सपीरियंस है ऑक्सीटोसिन हार्मोन को मैन्युफैक्चर करने का, उनको आपने कंसिडर नहीं किया, इसलिए आपका जो ये बैन है बहुत ही ज़्यादा अनरीजनेबल है, बहुत ही ज़्यादा आर्बिट्ररी है, हम इसे हटा रहे हैं। तो ये आर्टिकल है ऑक्सीटोसिन हार्मोन से संबंधित, ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब आप क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन GS पेपर 2 से है। आप एक काम कीजिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए,
वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए। अगर आप लिख नहीं सकते, टाइम नहीं है, तो कम से कम सोचिए। यूपीएससी का क्वेश्चन है 2018 का, आप सोचिए कि क्या आप लिखोगे इस क्वेश्चन के आंसर में। ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ना पता हो, जो मैं आपको अभी बताऊंगा इस क्वेश्चन के आंसर में। ईवीएम के बारे में आपको सब पता है, आप लिख के देखिए, होप आपने लिखा होगा। अब मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन है, इन द लाइट ऑफ रिसेंट कॉन्ट्रोवर्सी रिगार्डिंग द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम की कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी उस लाइट में, व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू इंश्योर द ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने क्या चैलेंजेस हैं इलेक्शंस की विश्वसनीयता को कायम रखने के लिए। अब बताओ आप क्या लिखोगे। देखो, सबसे पहले तो आप ईवीएम के बारे में बताओगे। ईवीएम के बारे में आप ये नहीं बताओगे ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इसे इस्तेमाल किया जाता है वोट देने के लिए। नहीं, ये तो बहुत ही जनरल हो जाएगा। आप थोड़ा सा ईवीएम के बारे में इस प्रकार से बताओगे कि बड़े स्केल पर, यानी पूरे इलेक्शंस में ईवीएम को यूज होना स्टार्ट हुआ 2004 में। उससे पहले कहीं कहीं एक्सपेरिमेंटल तौर पर ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन जनरल इलेक्शंस में नहीं हुआ था। 2004 के इलेक्शन पहले जनरल इलेक्शन जिनमें ईवीएम का इस्तेमाल हुआ मतदान के लिए। इस प्रकार से आप एक दो लाइनें बताओगे सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए। उसके बाद देखो, क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है, ईवीएम से जुड़ी कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में आपको बताना है। तीन चार पॉइंट आप बताओगे ईवीएम से जुड़ी कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में। जैसे एक पॉइंट है, क्या हुआ था उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हुए थे, तो वहां पे ईवीएम ने काम नहीं किया था कई जगहों पर। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा था गर्मी काफी ज्यादा है, तो सेंसर ने काम करना बंद कर दिया है। तो एक पॉइंट ये लिखोगे। एक पॉइंट आप वो लिखोगे, याद होगा आपको गोवा में इलेक्शंस हुए थे, तो उस समय कहीं भी आप बटन दबाओ वोट जा रहे थे किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को। याद ना हो ना कि कहाँ पे इलेक्शन हुए, तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट जरूर लिख दो कि कहीं भी बटन दबाओ वोट एक पर्टिकुलर पार्टी को जा रहे थे, ये पॉइंट, और सेंसर्स ने काम करना बंद कर दिया, ये पॉइंट, हैकिंग से संबंधित पॉइंट बताओगे, ईवीएम टेम्परिंग से संबंधित पॉइंट बताओगे। यानी ईवीएम की कंट्रोवर्सी से जुड़े जो भी पॉइंट्स हैं वो आप लिखोगे क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में। आपने शुरुआत में ईवीएम के बारे में बता दिया, दूसरे नंबर पे आपने ईवीएम से जुड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में बता दिया। अब आप आओगे तीसरे नंबर पे, व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के सामने क्या चैलेंजेस हैं इलेक्शंस की विश्वसनीयता को कायम करने के लिए। यहां पर आप लगाओ स्टेक होल्डर अप्रोच। एक सेकेंड आप रुकिए। स्टेक होल्डर अप्रोच क्या है? देखो, इलेक्शंस में कौन कौन स्टेक होल्डर हैं? इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज स्टेक होल्डर हैं, इलेक्शन लड़ती हैं। दूसरे नंबर पे स्टेक होल्डर हैं मतदाता, यानी वोटर जो वोट देते हैं। तीसरे नंबर पे स्टेक होल्डर हैं वोटिंग मशीन की सहायता से वोट दिए जाते हैं। चौथे नंबर पे स्टेक होल्डर हैं इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन जिन एम्प्लॉयज़ की सहायता से इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, सरकारी कर्मचारी होते हैं, डेपुटेशन पे आते हैं इलेक्शन कमीशन के लिए इलेक्शन करवाने के लिए, तो चार, चौथे वो स्टेक होल्डर हैं। पांचवा, पुलिस पर्सनल जो पूरा इलेक्शन के दौरान तामझाम रखते हैं और ईवीएम की सुरक्षा करते हैं। ये पांच स्टेक होल्डर हमने मान लिए। इन पांचों से हम एक एक चैलेंज ले लेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से इलेक्शन कमीशन के सामने क्या चैलेंज है? पॉलिटिकल पार्टीज देखो अपना पॉइंट मेक करने के लिए इलेक्शन कमीशन को क्रिटिसाइज करती हैं जानबूझ के, ताकि रूलिंग पार्टी को नीचे गिराया जा सके। जो भी पार्टी विपक्ष में होती है वो इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है, इलेक्शन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है। तो आप बताओगे सबसे बड़ा चैलेंज तो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से है, जो बार बार इलेक्शन कमीशन का नाम खराब करती हैं। तो इसके जवाब में आप ये भी लिख सकते हो, क्योंकि देखो आगे आगे लिखते भी जाना कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया क्या गया है चैलेंज से निपटने के लिए, या फिर आप कुछ सजेशन देना चाहते हो तो भी साथ के साथ लिख देना। तो पॉलिटिकल पार्टीज के कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए समय समय पर वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ईवीएम कंट्रोवर्सी के बाद भी ऑर्गेनाइज की गई थी। उसके बाद दूसरे नंबर पे ईवीएम तो देखो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, काम भी किया है इलेक्शन कमीशन ने इस दिशा में। इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि ईवीएम जो है वो स्टैंड अलोन डिवाइस है, मतलब उनकी हैकिंग नहीं हो सकती, उनसे टेम्परिंग नहीं हो सकती, एक ही बार उनकी प्रोग्रामिंग हो सकती है, उनके प्रोग्राम को चेंज नहीं किया जा सकता। तीसरे नंबर पे वोटर को देखो अवेयर करना जरूरी है। जिस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज बार बार आरोप लगाती हैं इलेक्शन कमीशन पे, वोटर्स को पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंट रूप से काम कर रहा है। तो ये एक चैलेंज है, वोटर्स को बताना
इलेक्शन कमीशन को कि देखो हम ठीक काम कर रहे हैं, वोटिंग वोटर्स की अवेयरनेस एक चैलेंज है। चौथा चैलेंज है एम्प्लॉयज जो इलेक्शन करवाते हैं, काफ़ी बार उन पे आरोप लगते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर पार्टी को फेवर करते हैं, तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज आरोप लगाती हैं दूसरे वाली कि देखो ये इलेक्शन कमीशन जो है वो दूसरी पार्टी के हिसाब से काम कर रहा है। तो जो भी पर्सनस इलेक्शन कमीशन में के काम में लगे होते हैं उनका बिल्कुल आप कह सकते हो निष्पक्ष रूप से काम करना जरूरी है। पांचवा चैलेंज, इलेक्शंस के बाद ईवीएम की टेम्परिंग ना हो, इसके लिए इंश्योर करना जरूरी है कि प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हो, ताकि जो आरोप लगते हैं इलेक्शंस के बाद कि ईवीएम की टेम्परिंग हो गई इस प्रकार के आरोप ना लगें। तो ये पांच चैलेंजेस हैं इलेक्शन कमीशन के सामने, जरूरी है इनको एड्रेस करना ताकि इलेक्शंस की विश्वसनीयता को एड्रेस किया जा सके। कंक्लूजन आप लिखोगे बिल्कुल सिंपल सा कि डेमोक्रेसी में इलेक्शंस फेयर होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। अगर फेयर एंड ट्रांसपोर्ट इलेक्शंस नहीं होंगे डेमोक्रेसी में तो इसका मतलब डेमोक्रेसी खतरे में है। बेसिक स्ट्रक्चर भी यही कहता है, इलेक्शंस का फ्री एंड फेयर होना जरूरी है और इसके लिए दरमदार है इलेक्शन कमीशन पे। जो भी चैलेंजेस हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाने में, उन चैलेंजेस को जल्द से जल्द एड्रेस करना होगा इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ताकि डेमोक्रेसी की विश्वसनीयता बरकरार रह सके। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन डिस्कस किया जीएस पेपर 2 का, आज दो ही डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में शुरू में टाइम लगेगा, क्योंकि शुरू में आपको अप्रोच समझने में टाइम लगेगी, अभी एक एक पॉइंट आपको बताना पड़ रहा है। जैसे आज मैंने आपको ये स्टेक होल्डर अप्रोच बताई कि पांच स्टेक होल्डर लिए हमने और एक एक पे आपने चैलेंज बना दिया, सारे डायमेंशंस कवर हो गए और कल्चर के एलिमेंट्स बताए, थोड़ा डिटेल से बताया इसलिए टाइम लगा। धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, फिर मैं आपको सिंपल यूँ बताऊँगा स्टेक होल्डर्स ढूंढिए, पांच स्टेक होल्डर्स ये, एक एक पॉइंट दीजिए, फिर हमारा ये क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है वो जल्दी कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो धीरे धीरे आप सीखते जाओगे और टाइम कम लगता जाएगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।